हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कार्स। आज हमारे सामने है इंडिया की मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट सेलिंग सेवन सीटर एमपीवी सेगमेंट कार मारुति सुजुकी अर्टिगा, और ये है इसका मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट वीएक्सआई सीएनजी वेरिएंट। अब सीएनजी का नाम आया है तो मतलब ये मोस्ट इकोनॉमिकल, मतलब फ्यूल इकोनॉमी में भी सबसे ज़्यादा ये इकोनॉमिकल है। तो कंपनी जो इसमें क्लेम करती है 26.11 किलोमीटर पर केजी ऑफ सीएनजी इसमें माइलेज क्लेम की जाती है। इसी साथ मारुति सुजुकी अर्टिगा बन जाती है अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार। तो आज हम करेंगे मारुति सुजुकी अर्टिगा वीएक्सआई सीएनजी वेरिएंट का कंप्लीट वॉक अराउंड और अंदर और बाहर के सारे फीचर्स को जानेंगे। लेकिन ये जो वीडियो होगी ये थोड़ी फास्ट होगी क्योंकि ज्यादा लोग जो है ज्यादा बड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, तो हम जल्दी जल्दी में सारे इसके फीचर्स को काउंट करेंगे और अंदर बाहर के सारे फीचर्स को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके फ्रंट फेसिया से। तो फ्रंट फेसिया में आप देख सकते हैं शुरू में आपको रेडिएटर ग्रिल देखने मिल जाती है, ये आपको विंग शेप में देखने मिलेगी। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सेकंड बेस वेरिएंट है और इसमें भी आपको क्रोम का भरपूर यूज देखने मिलेगा। आप देख सकते हैं इस टाइप आपको विंग शेप यहाँ पर देखने मिल जाती है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो, इसके साथ यहाँ पर आपको साइड में मिल जाती है हेडलैम्प्स की यूनिट जिसमें आपको लो बीम के लिए प्रोजेक्टर लैम्प देखने मिल जाते हैं और हाई बीम के लिए आपको सिंपल रिफ्लेक्टिंग टाइप हेडलैम्प देखने मिलेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी एलईडी का सेटअप नहीं देखने मिला, सब आपको हेलोजन में ही देखने मिलेगा। इसके साथ नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको फोग लैंप देखने को मिल जाता है, लेकिन जो मारुति की स्टॉक जो वीएक्सआई सीएनजी वेरिएंट आता है उसमें आपको फोग लैंप्स नहीं देखने मिलते। ये जिनकी गाड़ी है उन्होंने ओनर ने ही यहाँ पर जो मारुति की जेन्युइन एसेसरीज से फोग लैंप इंस्टॉल करवाए हैं। तो कुछ इस टाइप का आपको पूरा यहाँ पर फ्रंट फेसिया देखने मिलता है। और साथ ही बात करें इसके बोनेट पर तो आप देख सकते हैं आपको काफी बड़े साइज में स्कूप्स देखने मिल जाते हैं जो कि इसकी फ्रंट प्रोफाइल को काफी अट्रैक्टिव बनाता है। कुछ इस टाइप के आपको पूरा यहाँ पर फ्रंट फेसिया देखने मिल जाता है। इसी साथ बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने मिल जाता है यहाँ पर 15 इंच का टायर साइज और यहाँ पर आपको कोई भी अलॉय व्हील ऑफर नहीं किया गया है। जेडएक्सआई सीएनजी वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील देखने मिल जाता है। तो अभी हम टायर साइज देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है 185/65 R15 साइज का। यहाँ पर आपको फ्रंट टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक देखने मिलेंगे और रियर व्हील्स में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने मिल जाते हैं। इसी के साथ बात करें इसके ओआरवीएम की, तो ओआरवीएम पर आपको साइड इंडिकेटर रिप्लेसिंग देखने मिलेगी। इसमें आपको बॉडी कलर डोर हैंडल देखने मिल जाते हैं। इसके आपको बी पिलर और सी पिलर ब्लैक्ड आउट देखने मिलेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर रेन वाइजर्स लगे हुए हैं, ये ओनर ने एज एसेसरी इसमें फिट करवाए हैं। स्टॉक में आपको ये कुछ नहीं देखने मिलेगा। जो ये व्हील्स पर व्हील कवर लगे हैं ये आपको स्टॉक गाड़ी के साथ देखने मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको अगर मैं मिडल सीट दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं जो इसका डोर है ये काफी लार्ज साइज में दिया गया है जिससे कि अंदर बैठे यात्रियों को कोई भी घुटन की महसूस नहीं होती। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी बड़ा साइज में क्वार्टर क्लास देखना मिल जाता है। तो कुछ इस टाइप की पूरी आपको यहाँ पर साइड प्रोफाइल देखना मिल जाती है। साइड प्रोफाइल से भी गाड़ी काफी अट्रैक्टिव लगती है। इसके बाद चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं फेसलिफ्ट वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये एक माइनर सा जो चेंज है ये आपको बताएगा कि ये फेसलिफ्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो इसका डिजाइन है वो जो पहले जो डिजाइन आता था वहाँ पे बिल्कुल पार्ट होता था, लेकिन अब ये जो डिजाइन है यहाँ पे थोड़ा सा कर्वी कर दिया गया है। उसकी वजह से इसके जो फ्रंट रियर प्रोफाइल है उसके समझ में आता है कि ये फेसलिफ्ट वेरिएंट है। तो फेसलिफ्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने मिल जाता है। साथ ही जो इसकी एक सबसे यूएसपी जो चीज़ है सीएनजी की बैजिंग देखने मिल जाती है। इसके बाद नीचे आपको सुजुकी का लोगो और यहाँ पर आपको जो एलईडी टेल लैंप्स इसकी देखने मिलती है उसका पूरा सेटअप यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। इसमें ये चार पॉइंट आपको स्टॉप लैंप देखने मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसिंग और यहाँ पर आपको रिवर्स लाइट की प्लेसिंग देखने मिल जाती है। इसी के साथ जो ये आप क्रोम का पार्ट देख रहे हैं ये ओनर ने एज एसेसरी इसमें फिट करवाया है। साथ ही नीचे आपको 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर देखने मिल जाते हैं और इसके नीचे आपको 2 कन्वेंशनल इसके रियर रिफ्लेक्टर्स देखने मिलेंगे। तो कुछ इस टाइप से आपको पूरी यहाँ पर रियर प्रोफाइल देखने मिल जाती है। इसके बाद जो इसकी एक सबसे मेन चीज जो इसके बूट में है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो भाई बूट हमने ओपन कर लिया है तो यहाँ पर आपको सीएनजी का टैंक देखने मिल जाता है। ये करीब 60 लीटर का टैंक है जिसमें आपको लगभग 12 केजी की सीएनजी यहाँ पर फिल हो सकती है। लेकिन जो 12 केजी की सीएनजी ये डिपेंड करती है पेट्रोल पंप के प्रेशर पर। अगर प्रेशर ठीक है तो लगभग इसमें 8 केजी की सीएनजी आएगी। अगर प्रेशर डाउन है तो वहां पर आपको वेरी कर सकती है अमाउंट भी। इसके साथ एक चीज आपको मैं अच्छी दिखाता हूँ कि जो फेसलिफ्ट आया है उसमें
जो यहाँ की अपोस्ट्री है इसको चेंज करके और डार्क ग्रे कलर में कर दिया, जिससे कि इसको मैले होने की ज्यादा डर नहीं रहेगा। पहले जो इसके वेरिएंट आते थे उसमें आपको यहाँ पर लाइट कलर की अपोस्ट्री देखने मिलती है, जिससे कि इसमें मैले होने की डर रहता था। लेकिन अब इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आपको डार्क ग्रे कलर का देखने मिलेगा, जिससे कि इसकी मेंटेनेंस अब कम हो गई है। इसी साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो रियर सीट्स है उनमें आपको रिक्लाइनिंग एंगल भी देखने मिल जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से रिक्लाइनिंग हो सकती है, काफी ज्यादा आपको रिक्लाइनिंग एंगल यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो कम्फर्ट वाइज भी इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसी के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड हैंडल देखने मिलेगा बूट स्पेस को, बूट को ओपन और बंद करने के लिए, और साथ ही यहाँ पर आपको इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो मतलब कंपनी की बात करें कॉस्ट कटिंग की, तो सीएनजी की गाड़ी में और अर्टिगा की स्पेशली बात करें तो यहाँ पर आपको कोई कॉस्ट कटिंग नहीं देखने मिलेगी। हाँ, एक कॉस्ट कटिंग जो सीएनजी में की गई है वो आपको थोड़ी देर में इंजन जब करेंगे उस टाइम दिखा देंगे कि वहां पर एक कॉस्ट कटिंग कंपनी द्वारा की गई है। तो ये थी हमारी रियर प्रोफाइल, अब चलते हैं इसकी इंजन की तरफ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहां पर आपको मिलता है 1.5 लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पायरेटेड K15C इंजन, जो कि जनरेट करता है सीएनजी में 87 bhp की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क। इसी के साथ बात करें अगर पेट्रोल इंजन की, तो वो जनरेट करता है 101 bhp की पावर और 136.8 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करें तो सीएनजी में आपको गाड़ी प्रोड्यूस करके देगी 26.11 किलोमीटर पर kg ऑफ सीएनजी की माइलेज। अब हम बात कर रहे थे कॉस्ट कटिंग की, तो मारुति ने जो सीएनजी की गाड़ियों में जो कॉस्ट कटिंग की है वो आपको दिखाता हूं मैं कहां की है। पहले मारुति की हर गाड़ी में जो सीएनजी गाड़ियां होती थी वहां उसमें आपको यहां पर एक सीएनजी का प्रेशर गेज देखने मिल जाता था, जिससे कि आप अंदाजा लगाते थे कि आपके जो टैंक में कितनी गैस है। लेकिन अब जो सीएनजी ने कॉस्ट कटिंग के मारे यहां से वो सीएनजी का प्रेशर पंप ही हटा दिया, प्रेशर जो मीटर था वो हटा दिया है। इससे कॉस्ट कटिंग बता नहीं कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन यहां पर जो एक ओनर की जो सहूलियत थी वो हट गई है कि अब उसको नहीं पता चल सकता कि सीएनजी टैंक में कितनी गैस है। लेकिन एक अच्छी बात है कि यहां पर अभी तक इंसुलेशन मटेरियल यहां पर दिया जा रहा है इंजन में, आप देख सकते हैं। इसके साथ चेक कर लेते हैं अगर इसके अंडरबॉडी गार्ड, तो अर्टिगा में आपको कोई भी अंडरबॉडी गार्ड यहां पर ऑफर नहीं किया गया है। नीचे से अगर कोई भी इंपैक्ट होता है तो वो सीधा इंजन पर आएगा। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इंजन का आपको बे देखना मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर जाने से पहले आपको चाबी दिखा देता हूँ। इसमें आपको इस टाइप की कुछ सिंपल आपको चाबियां देखने मिल जाती है। इसमें आपको दो लॉक एंड अनलॉक के बटन देखने मिलेंगे, बस सिंपल आपको चाबी देखने मिलेगी। इसके बाद बात करें इसके इंटीरियर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल बीज कलर का आपको इंटीरियर देखने मिलेगा। और यहाँ पर आपको चार पावर विंडो, क्रोम की गार्निश, यहाँ पर आपको डोर हैंडल भी देखने मिलेगी। यहाँ पर आपको ओरियम के लेफ्ट राइट जो सिलेक्टर वो देखने मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली इसको फोल्ड अनफोल्ड करने का ऑप्शन देखना मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको 1 लीटर बोतल होल्डर देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्पीकर की ग्रिल देखने मिल जाती है। इसके बाद मैं इसके इंटीरियर में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो हमने इसका इंटीरियर था वो हमने कवर कर रखा है। आपको एक वीडियो देखने मिल जाएगी अर्टिगा ZXI प्लस की, पूरा वॉक अराउंड हमने उसमें डाल रखा है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में देखने मिल जाता है, और साथ में आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक देखने मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जिसकी मेन चीजें वो बात कर लेते हैं कि सीएनजी में आपको क्या कुछ अलग देखने मिलता है इसके इंटीरियर में, तो वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम इसको म्यूट वगैरह कर लेते हैं। तो बात करते हैं अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत बढ़िया चेंज किया गया है, कि पहले जो MID आती थी उसमें आपको सीएनजी का कुछ पता नहीं चलता था कि कितनी वो माइलेज दे रही है या उसमें सीएनजी कितनी है। अब जो इसमें MID दी गई है फेसलिफ्ट के बाद, जो MID है वो चेंज कर दी गई है, और चेंज के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी आपको MID देखने मिल जाती है। इसमें आपको दिखा रहा है कि सीएनजी जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड की है, तरफ है एरो, आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको नीचे सिलेंडर बना हुआ है, जिसमें आपको दिखा रहा है कि आपकी सीएनजी कितनी है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें दिखा रहा है कि फुल है सीएनजी, थोड़ी सी खाली है। तो इस टाइप की आपको जो पूरी यहाँ पर ग्राफिक्स देखने मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो और क्या कुछ इसमें दिखा रहा है। यहाँ पर आपको जो माइलेज वगैरह है वो दिखाएंगे। यहाँ पे क्लॉक, जो ये पहले हमारे पास बलेनो में और जो प्रीमियम गाड़ियां थी उनमें ये इस टाइप की MID आती थी, वो उस टाइप की MID यहाँ पर आपको सीएनजी में देखने मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सीएनजी में आपने कितनी देर इस गाड़ी को रंग किया, और साथ ही
सीएनजी और पेट्रोल में आपका कितना रेशो चल रहा है, मतलब आप पेट्रोल पे कितनी देर चला रहे हो और सीएनजी पे कितनी देर चला रहे हो, तो इस चीज की पूरी यहाँ पर सिस्टम दिया गया है। तो ये चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो इस फेस लिफ्ट में ये चीज तो एक अच्छी हुई है कि यहाँ पर आपको जो एमआईडी है उसमें आपको सीएनजी की सारी डिटेल दी गई है। इसके बाद बात करें इसके सीएनजी को मतलब कन्वर्ट करने का, कि पेट्रोल से सीएनजी और सीएनजी से पेट्रोल पर हमें शिफ्ट करने का बटन कहां दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फ्यूल कन्वर्टर दिया गया है जिसमें आपको सीएनजी और पेट्रोल की मार्किंग दी गई है। इसमें आपको वन टच यहाँ पर सीएनजी देखने मिल जाती है और वन टच आपको यहाँ पर पेट्रोल देखने मिल जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे पेट्रोल ये ब्लिंक हो रहा है, तो यहाँ पर आप मतलब हमारे पास सीएनजी चल रही है अभी। और जैसे ही हम इसको एक बार और प्रेस कर देते हैं, मतलब अभी ये पेट्रोल पे चल रही है। तो ये चीज जो है इसके एमआईडी में चेंज की गई है। इसके साथ बात करें इसके इंटीरियर की, तो यहाँ पर आपको कोई भी मेजर चेंज देखना नहीं मिलेगा। वही आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर देखना मिल जाता है, जो टच रिस्पॉन्सिव बटन है इसमें, नीचे आपको मैनुअल एसी देखना मिलेगा, साथ ही यहाँ पर आपको ऑक्स और यूएसबी कनेक्टिविटी, ये जो माइनस चीज यहाँ पर देखने मिली। एक जो अच्छी चीज है कि यहाँ पर आपको एयर कूल्ड बोतल होल्डर देखना मिल जाता है, तो यहाँ पर ये एक चीज अच्छी दी गई है। साथ यहाँ पर आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स यहाँ पर देखना मिलेगा। सीएनजी में आपको कोई भी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं देखना मिलता। हैंडब्रेक आपको क्रोम टिप में देखना मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्लिट्स में एसी के वेंट्स देखने मिलेंगे, जो कि इसके इंटीरियर को काफी अच्छे बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आईआरवीएम देखने मिल जाता है, वो भी मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ। कैबिन लाइट आपको येलो हैलोजन में देखने मिलेगी। एक आपको वैनिटी मिरर यहाँ पर देखने मिल जाता है सन प्रोटेक्टर में। ड्राइवर साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं देखने मिलेगा। इसके साथ बात करें इसकी कुशनिंग की, तो काफी अच्छी कुशनिंग यहाँ पर ऑफिट की गई है। सीटों में कोई भी कुशनिंग की दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको फोग लैंप्स को ऑफ करने का बटन यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ सीट के रिक्लाइनिंग एंगल को चेंज करने के लिए यहाँ पर लीवर दिया गया है। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का कोई भी लीवर नहीं दिया गया है। फ्यूल के टैंक को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको लीवर दिया गया है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी मिडल रो की तरफ। तो मिडल रो में आप देख सकते हैं सीटिंग की बात करें तो कुशनिंग तो काफी अच्छी है ही है। साथ ही जो यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट भी देखना मिल जाता है। अब यहाँ पर ये सारा कवर्ड है तो मैं आपको आर्मरेस्ट खोल के नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट देखना मिल जाता है। इसी साथ जो मिडिल की जो सीट्स है वो आपको 60-40 रेशो में देखने मिलेगी, और जो पीछे की सीटें हैं वो आपको 50-50 रेशो में देखने मिलेगी। इसके साथ एक अच्छी बात है कि इसमें आपको सारे जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल देखने मिलेंगे। आप देख सकते हैं हर सीट का जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल देखने मिल जाता है। और यहाँ पर कुछ ये थोड़ा बहुत टूल्स का जो सामान है वो यहाँ पर रखा गया है, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। इसी साथ रियर पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट भी ऑफर किया गया है। पीछे दरवाजे में बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोम का डोर हैंडल देखने मिलेगा, साथ ही पावर विंडो और यहाँ पर स्विच देखने मिल जाता है। बाकी आपको कोई भी यहाँ पर लेदर की या कुछ नहीं देखने नहीं मिलेगी फैब्रिक की। यहाँ पर आपको जो है स्पीकर ग्रिल देखने मिल जाती है, 1 लीटर बोतल होल्डर यहाँ पर देखने मिलेगा, और यहाँ पर आपको कुछ स्टोरेज स्पेस देखने मिल जाता है। साथ ही एक जो सेफ्टी फीचर है कि यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक दिया गया है। इसके बाद अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो उसके लिए आपको इस सीट को कुछ इस टाइप से फोल्ड करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ फोल्ड करके। तो अगर आप थर्ड सीट पे जाना चाहते हैं, थर्ड रो में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपको मिडिल रो की जो 40% वाली सीट है इसको आपको यहां से इस लीवर की मदद से इस टाइप से डाउन करना होगा। और इसके बाद जो आगे आपका लीवर दिया गया है उससे आपको इसको आगे पुश करना होगा, जिससे कि आपके पास यहां पर पीछे की रो पे जाने के लिए स्पेस बन जाएगा और आप पीछे की रो में आसानी से बैठ सकते हैं। अब पीछे की रो की कंफर्ट की बात करें तो जिसका रिक्लाइनिंग एंगल वो काफी अच्छा दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ अगर आप बात करें कि लंबी जर्नी की, तो लंबे जर्नी में आपको एडल्ट्स को बैठने में हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर बच्चे बैठे हैं तो यहाँ पर कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आपको जो लेगरूम है वो भी काफी अच्छा देखने में मिल जाता है और हेडरूम तो इस गाड़ी का काफी अच्छा है ही, तो ज्यादा प्रॉब्लम इस गाड़ी में नहीं होने वाली। साथ ही बात करें इसके कंफर्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा आपको रिक्लाइनिंग एंगल यहाँ पर देखने मिल जाता है। अब आप देख सकते हैं कि रिक्लाइनिंग एंगल की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। और साथ ही लेगरूम की बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं कि मिडल रो में भी लेगरूम की कोई कमी नहीं है। आपको यहाँ पर सिर के ऊपर ही यहाँ पर बिल्कुल आपको एसी के वेंट्स दिए गए हैं सेकंड रो और थर्ड रो के लिए, और साथ यहाँ पर आपको एक कैबिन लाइट देखने को मिल जाती है। इसी के साथ इस गाड़ी में एक और अच्छी बात है
कि अगर आप लंबी जर्नीज में जा रहे हैं और आपको रात को स्टे करना है, मतलब अगर आपको स्टे करने के लिए कोई भी जगह नहीं दिख रही, तो आप गाड़ी में ही सीटों का बेड बना सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ किस टाइप से। मैंने आपको वो 40% वाली सीट जो है वो दिखाई थी कि वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, उसी टाइप से ये जो 60% वाली सीट है उसको भी आप इस लीवर की मदद से पूरा ऐसे डाउन कर सकते हैं। अब वो सीट भी इसके ऊपर डाउन है और साथ ही ये जो पीछे की सीटें हैं ये भी आपकी बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो पूरा आपका एक बेड यहाँ पर तैयार हो जाता है जिससे कि आप पूरी रात आसानी से सो सकते हैं। तो कंफर्ट वाइज आपको मैंने पहले भी कहा था कि इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है, तो आप देख सकते हैं पूरा कंफर्ट आपको इसमें दिया गया है। तो ये थे हमारी अर्टिगा VXi CNG के इंटीरियर का पूरा वॉक अराउंड। इससे पहले हमने एक्सटीरियर वॉक अराउंड भी पूरा कर लिया है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आगे आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको अपनी होम स्क्रीन पर दिखते रहें। साथ ही अगर आप भी हिसार या हिसार के आसपास के एरिया से हैं और मारुति सुजुकी अरेना की कोई भी कार परचेज करना चाहते हैं या उनके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सरोगी ऑटोमोबाइल दिल्ली सिरसा रोड हिसार में विजिट कर सकते हैं। उनका एड्रेस और उनका फोन नंबर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, साथ ही इसका जो एड्रेस है और फोन नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को समाप्त, तब तक के लिए धन्यवाद।